Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. आप लोग देख रहे हैं सैयद शहरोज अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं ब्लॉग का आगाज करते हैं। Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाए आप लोग, क्या चल रहा है? आजकल मौसम है, ठंडा हो चुका है और लाइट नहीं जा रही है, लेकिन जाती है तो फिर अपनी मर्ज़ी से जाती है। और गैस कहाँ कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सब चीज़ें कम्प्लीट आ रही हैं। गैस भी आ रही है और बिजली भी आ रही है। और मेरे व्लॉग आप लोग बोलेंगे कहाँ गायब हो जाता है भाई, ये कह के रेगुलर आएगा, लेकिन मैं आऊँगा, लेकिन बस थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। कहाँ मसरूफ़ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा वक्त के साथ साथ, सब चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और हाँ, छोटे छोटे से मज़ेदार व्लॉग बनाऊँगा, मैंने ये सोचा है और डिसाइड किया है। तो चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं जल्दी से। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नबिया की मदरसे की, हमने छुट्टी ले ली, उसको बुला लिया जल्दी से, उसी का इंतज़ार कर रहे थे। हम निकल रहे हैं, ये आ गई है नबिया। दिख रही है आप लोगों को ये हुलिया, देखें आप इसका, ज़रा तैयार श्यार हो गई है बिल्कुल। तो चले हम लोग निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे तो रस्ते में ही बता देंगे आप लोगों को। तो चले हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं। नबिया कुछ कहना चाहोगी? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? और हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। थोड़ा दूर हो के बात करते हैं ताकि नज़र तो आप पूरी। चलो खैर, चलें चलते हैं। फाइनली अब हम आ गए हैं रूम में डॉक्टर के पास। काफ़ी देर से हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, अंदर पेशेंट थे, तो अमूमन ऐसे टाइम लगता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी चले आप ट्रीटमेंट करवाता हूँ, मैं आप लोगों से करता हूँ। काफ़ी देर से मैं बाहर वेट कर रहा था, बाहर भी पेशेंट थे तो वीडियो बनाने में नहीं आई। चले मैं जल्दी से थोड़े ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। फाइनली ट्रीटमेंट करा के फिर हो चुके हैं, आप निकलने हैं घर की तरफ। अंदर मगरिब हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रोशनी में आया था। मैं 4:30-5 बजे पहुँचा था और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो चले हैं घर की तरफ, निकलते हैं। बहुत सारे काम थे लेकिन टाइमिंग बहुत लेट हो गई है। अभी घर वालों को भी लेना है आंटी के घर से, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चले हैं घर की तरफ चलते हैं। ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, पूरा ज़बरदस्त। फाइनली हम लोग रुक गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में, तो अभी हम PSO में पेट्रोल पम्प करते हैं, रश चेक करें PSO। बाकी इतने पेट्रोल पम्प रास्ते में तो गुजर गए, कहीं भी कोई रश नहीं। और इधर PSO में इतना रश है कि हर जगह नहीं, ऐसा लग रहा है धीमा पड़ता है। असल में PSO जो ऑरिजिनल PSO होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर वाले, उनका पेट्रोल है बहुत बेहतरीन होता है। मैं भी शुरू से PSO जब बाइक चलाता था और जो कुछ तो PSO यूज़ करता था, तो PSO इज़ बेहतरीन है। पर ओरिजिनल PSO का पेट्रोल पम्प हो, ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्ट वाला हो। ओरिजिनल PSO का आप चलना देखिएगा, एवरेज वगैरह सब चीज़ें अच्छी है। अभी चलें हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरने वाला है, फिर मैं आपको मिल पाऊँगा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे। नबिया लोगों को जब हमने रिसीव किया तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो इसलिए व्लॉग बनाया नहीं। और अब हम आ चुके हैं घर, अब हम खाना वगैरह खाएंगे जल्दी से, और तकरीबन 9-10 और हैं और फिर हम जाएंगे बाल कटवाने। तो जल्दी से हम खाते हैं खाना, हमारे खाने का टाइम हो गया है और अब हम खाएंगे खाना, आप लोगों को भी खिलाएंगे। क्या है आज खाने में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठंडा मौसम आ गया तो उस लिहाज से बड़ी बेहतरीन चीज़ है खाने में। आज चले आए, हमने ये मक्खन लगा लिया है, इस पर गर्मा गर्म रोटी थी और ये सब्ज़ी है, अब हम लोग जल्दी से खाएंगे। वह सब्ज़ी का मज़ा है ठंड में। चलो आप लोग खाएं, मैं खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी का अपना मज़ा है ठंड में। चलें अब जल्दी से खाता हूँ, मक्खन भी लगा लिया, अब और डबल मज़ा आ जाएगा। मैं खाना खा के फिर मिलता हूँ आप लोगों से। बाल कटवा के मैं आ चुका हूँ, बस एक काम लास्ट रह गया, वो कल करेंगे। और अभी तो टाइम जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो इस टाइम ठंडा मौसम हो चुका है, अब नहाना इस वक्त तो इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा मोटा बनाऊँगा बस। और जलन बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, क्योंकि बाल कटवाएं और ये ख़त बनाई है उसने, तो बहुत जलन हो रही है। तो
जो कोई नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।